In this question, we are given that theta is the acute angle between the plane faces of regular tetrahedron. जो tetrahedron कैसा है? Regular. That means बिल्कुल symmetric figure है, सारी sides की length equal है. तो सिंस इट इज रेगुलर टेट्राहेड्रन, ये सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो अज्यूम कर लेते हैं ये जो वर्टेक्स है इसका पोजिशन वेक्टर है जीरो वेक्टर, ये जो पॉइंट वर्टेक्स ए है इसका पोजिशन वेक्टर ए, वर्टेक्स बी का पोजिशन वेक्टर वेक्टर बी, और वर्टेक्स सी का पोजिशन वेक्टर वेक्टर सी. सिंस इट इज रेगुलर टेट्राहेड्रन, दैट मीन्स ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है. ए बी, ए बी की लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए, मैग्नीट्यूड ऑफ इसकी लेंथ देखेंगे तो सी माइनस बी, और फाइनली इसकी लेंथ देखेंगे तो दैट इज ए माइनस सी, ये सब इक्वल है. ठीक है ना, इसको मान लेते हैं से लैम्डा. इनको इनको देखें, वी कैन सी दैट मैग्नेट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नेट ऑफ ए माइनस सी स्क्वायर, जगह लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू मैग्नेट ऑफ ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, मैग्नेट ऑफ सी स्क्वायर भी लैम्डा स्क्वायर है, माइनस ट्वाइस ए डॉट सी. सो ए डॉट सी यहां से आ जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर बाई टू, और इसी प्रकार यही बी डॉट सी होगा और यही ए डॉट बी होगा. राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन फेसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन. तो पहले तो हम नॉर्मल वेक्टर लिख लेते हैं. नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन फेस ओ ए बी is n1, that is a cross b, और दूसरा plane face ले लेते हैं हम OBC. normal vector to the plane face OBC is n2, that is b cross c. अब n1 और n2 के बीच में एंगल कितना है? थीटा. देन वी हैव टू फाइंड sec cube theta. देयरफॉर n1 डॉट n2, दैट इज मैग्नेट ऑफ n1 मैग्नेट ऑफ n2 cos theta. अब पहले n1 डॉट n2 निकाल लेते हैं. सो n1 डॉट n2 इज n1 इज a cross b एंड n2 टू इज बी क्रॉस सी, और ये प्रॉपर्टीज हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए डॉट बी ए डॉट सी, बी डॉट बी एंड बी डॉट सी. पर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो दिस इज केस लैम्डा स्क्वायर बाई टू, दिस इज ऑल्सो लैम्डा स्क्वायर बाई टू, दिस इज लैम्डा स्क्वायर एंड दिस इज अगेन लैम्डा स्क्वायर बाई टू. तो इस डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे ना, सो वी हैव लैम्डा टू पावर फोर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई टू, दैट इज माइनस लैम्डा टू पावर फोर. सो कॉस थीटा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी है ना, मैग्नेट ऑफ एन वन एन टू को इसकी इक्वल कर देते हैं. सो वी कैन से दैट cos theta will be magnet of n1 dot n2 upon magnet of n1 magnet of n2. अब ये तो हो गया lambda 4
अपॉन फोर एन वन, है ना। तो यहां से जब हम निकालेंगे मैग्नेट ऑफ एन वन, ये हो जाएगा मैग्नेट ऑफ ए, मैग्नेट ऑफ बी, और इनके बीच में एंगल, सिंस इट इज रेगुलर टेट्राहेड्रन, तो ए और बी के बीच में एंगल, बी और सी के बीच में एंगल, ये सारे एंगल हो जाएंगे 60 डिग्री। सो दिस इज साइन पाई बाय थ्री, इसको जो हम सॉल्व करेंगे लैम्डा 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 स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज रूट थ्री बाई टू, सो दिस इज रूट थ्री बाई टू लैम्डा स्क्वायर, सो दिस इज रूट थ्री बाई टू लैम्डा स्क्वायर, अगेन दिस इज ऑल्सो रूट थ्री बाई टू लैम्डा स्क्वायर। सो ऑन सॉल्विंग दिस, ये फोर फोर और लैम्डा की पावर फोर कैंसिल होके ये आ जाएगा वन बाई थ्री, सो सेक थीटा विल बी थ्री, सो सेक क्यूब थीटा विल बी 27, यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, सो आंसर इज 27।